जी मोबाइल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी फेमस है, काफी लोगों से खेल रहे हैं, आप फोन पे भी खेल सकते हो और आप इमुलेटर के जरिए, इमुलेटर नहीं इमुलेटर इमुलेटर खैर नॉनसेंस इसको छोड़ते हैं। तो दोस्तों इमुलेटर की मदद से आप इसको अपने पीसी पे खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप वैसे तो इसे कंप्यूटर के लिए स्क्रीन से भी खरीद सकते हैं, पर वहां पे आपको तकरीबन 1000 के आसपास कॉस्ट करती है। पर अगर आप इमुलेटर से इसको खेलते हैं तो वही पबजी मोबाइल जो अपने फोन में खेलते हैं सेम आप यहां पर खेल सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं पे करना। बस आपको क्या डाउनलोड करना है मैं यहां पर बता देता हूं। तो उसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले गूगल पर। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हैं तो मोबाइल वाले प्लेयर ही आपके साथ खेलेंगे, जो पीसी वाले प्लेयर है वो आपके साथ नहीं खेल सकते। जब पीसी में आप खेलते हैं तो मोबाइल वाले प्लेयर आपके साथ नहीं खेल सकते। ओह माय गॉड, कितना कंफ्यूजन है। तो दोस्तों यहां पर हमें जाना है गूगल पर। सबसे पहले आपको ये टाइप करना है, जैसा कि Tencent गेम बडी यहां पर आ गया है दोस्तों, इसको हमें यहां पर टाइप करना है और इस पर हमें जाना होगा और इसे डाउनलोड करना होगा। मैक के लिए भी अवेलेबल है, आपके पास मैक है तो वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर हम विंडोज में करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद यहां पर आप डाउनलोड, बहुत सारे लिंक्स हैं, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं वैसे, पर सबसे पहले ऊपर वाला लिंक सबसे सही है। तो यहां पर करते हैं हम डाउनलोड का ऑप्शन, यहां पे आ गया Tencent बेस्ट एवर एमुलेटर फॉर पबजी मोबाइल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए जल्दी से करते हैं इसको डाउनलोड। ओके, तो यहां पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों छोटी सी फाइल जो है पहले इंस्टॉल होगी, यहां पर बहुत छोटी एमबी की है। ओके, इसको हमें ओपन करना होगा, फोल्डर में जाके आपको करना है इसको ओपन और इसको कर लेना है इंस्टॉल। तो चलिए जल्दी से डबल क्लिक करते हैं और कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ऑप्शन, अरे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ गया आ गया। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों प्ले पबजी मोबाइल ऑन पीसी जैसे कि यहाँ पे देख रहा है, तो हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है इसको। तो चलिए जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों आपके हाईफाई पीसी नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी ना किसी तरीके से आपके कंप्यूटर पर उसको चला ही देता है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो Tencent गेमिंग बड़ी का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है और साथ ही साथ में हमारी जो PUBG मोबाइल है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना भी शुरू हो गई है। दोस्तों ये कितनी तेजी से इंस्टॉल होती है ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पर, और यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगी, आई होप 5 to 10 मिनट आपको लगने चाहिए या फिर उससे भी कम समय जो है लगना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कम्प्लीट हो गई है, छोटी मोटी इंस्टॉलेशन जो है वो और चलेंगी अभी इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े बहुत ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो गए हैं और साथ साथ गेम भी हमारी इंस्टॉल हो ही रही है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये मैं भी काफी एक्साइटेड हूं इसे खेलने के लिए। ओके, आई थिंक हो जाना चाहिए, होगी कंप्लीट दोस्तों। और यहां पर हमारी जो गेम है वो शुरू हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप कंट्रोलर को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, गेम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, फोटोज वगैरह भी यहां पे ले सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर रेजोल्यूशन वगैरह आ रहा है, और अगर आपका अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आप उस हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर है तो 720 भी चूज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो यहां पे हम 2K को आई थिंक मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, जिस हिसाब से मेरा कार्ड है 1080p भी हम कर सकते हैं, पर मुझे लगता है 2K करना चाहिए। ओके, यहाँ पर ठीक है, सेव कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत अच्छी सेटिंग करते हैं, जैसे कि ये रिस्टार्ट मांग रहा है, रिस्टार्ट करना होगा गेम को। दोस्तों अगर जितना ज्यादा आप हाई से अल्ट्रा सेटिंग में जाते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो फ्रेम रेट है वो ड्रॉप होता है, आपकी गेम स्मूथ नहीं चलती अगर आप बहुत अच्छा वो रखते हैं। यहाँ पे FPS का साइन शो हो रहा है, 22 FPS, मोबाइल एमुलेटर से चल रहा है तो इतना ज्यादा फ्रेम रेट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ट्विटर फेसबुक से भी आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, पर हम गेस्ट मोड में जाएंगे या फिर आप आईडी बना के भी खेल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ओके, गेस्ट ओके एग्री करना होगा, अभी हम सिर्फ मेहमान की तरह यहाँ पर आए, असली आईडी बाद में बनाएंगे। ओके, एग्री करना है हमें, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें साइन करने होंगे। ओके, नोटिस भी है। ओके ठीक है, एक बंदा भागता हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये इंस्टॉल होने वाली है एशिया। ओके ठीक है, एशिया रीजन में हम हैं बिल्कुल, यहाँ पे डिफॉल्ट आके कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ओके, तो अभी हम मेल हैं तो हमें मेल को सिलेक्ट करना होगा, और जैसा भी आप बंदा चाहें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कैसा, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। ओके, मुझे बाल थोड़े से अलग चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट, ये बढ़िया है। ओके दोस्तों, बालों को आप सिलेक्ट कर सकते हो, बॉडी जो है कि जिस हिसाब से आप रखना चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं आपको खुद अर्न करने होंगे। दोस्तों नाम रखना है, कोई भी डिफरेंट सा नाम आप रख सकते हैं, हम तो खैर हम गेस्ट मोड में तो कोई भी नाम रखते हैं, मैं कुछ फनी सा नाम ढूंढता, फनी नाम क्या होना चाहिए। ओके ठीक है, मेरे दिमाग में आ रहा है एक बहुत ही बेहतरीन नाम, I am Pro। ओके ठीक है, एंड यू आर नूब। तो दोस्तों यू आर नूब थोड़ा डिफरेंट नाम है, तो किसी भी तरह का हम नाम रख सकते हैं। ओके, आई एम प्रो यू आर नूब। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। ओके, यहाँ पे दोस्तों फिर इस तरह से लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, और अगर आपको बहुत अच्छा खेलना आता है प्रो सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बीच वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं आता है तो लास्ट सबसे पहले वाला कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो सेटिंग्स हैं स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, हाई रेटेड, ठीक है,
तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर गेम में बहुत सारे इन गेम आइटम होते हैं अगर आप खरीदना चाहिए, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पहली बार में आपको खरीदना चाहिए। ओके, पहले आप देखिए गेम को किस तरह से गेम लगती है, आपको जरूरत लगती है तब आप गेम में इन गेम आइटम्स जो है खरीदिए। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आप जाएंगे यहाँ पर स्टार्ट है, इससे हम अपनी गेम में जा सकते हैं। उसके अलावा नीचे काफी सारे ऑप्शन दिए हैं तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो खैर अभी तो हमें जाना होगा स्टार्ट पर और हमें गेम में जाना है, तो ये गेम हमें पहले लॉबी में लेके जाएगी। यहाँ सारे प्लेयर इकट्ठे होंगे, मैचिंग हो रही है। ओके दोस्तों यहाँ पे मैचिंग आई थिंक कंप्लीट होने ही वाली है और अब जो है आई थिंक स्टार्ट होने वाली गेम हमारी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पे लॉबी में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मैं भी आ चुका हूँ और 3 प्लेयर और हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। 4 मेंबर्स यहाँ पे खेल सकते हैं स्क्वाड टीम बनाकर, या फिर आप जैसा भी खेलना चाहें वैसा आप खेल सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जस्ट फन करना होता है और कोई काफी सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि लोगों को पीट सकते हैं। मिस्टर क्या मैं तुम्हारी पिटाई कर सकता हूँ? यस सर प्लीज, माई प्लेजर, मुझे मारिए ना। यस बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे भंगड़ा डालिए, यहाँ पे करिए भरतनाट्यम, कोई नहीं रोकेगा आपको। और खैर थोड़ी ही देर में जो गेम है वो स्टार्ट हो जाती है। और खैर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल्स आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मूव करना है। और दोस्तों अब मुझे पता है कि आप काफी लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते होंगे किस तरह से इसे करना है, पबजी मोबाइल आप लोग काफी समय से खेल ही रहे होंगे। तो दोस्तों तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुकी है, हम आ चुके हैं अपने जहाज में, हमारा बम्बर B2 बम्बर। तो इसके अंदर दोस्तों तकरीबन हमारे कितने 99 लोग जीवित हैं, इसके अंदर 99 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको दोस्तों, अलाइव है, यहाँ पर किल्ड कुछ नहीं है, जीरो है। दोस्तों ये प्लेन हमें लेके जाता है ये बड़े से मैप में। मुझे लगता है कि फोर्टनाइट का मैप छोटा है और पबजी का बड़ा है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्लेन जो है हमें जंप करना होता है, सारे प्लेयर धीरे धीरे करके यहाँ से जंप करते हैं और नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे हम भी जंप कर ले रहे हैं, तो हमारा जो पंछी है वो उड़ चला है पंख लगाकर। तो दोस्तों अब हमें देखना होगा कि कहाँ हमें जाना है, उस हिसाब से हमें मूव करना रहता है। थोड़ा सा घरों के पास उतरेंगे तो हमें थोड़ी सी लूट मिल सकती है वहां पर, तो पहाड़ों के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी है शुरू में, पहले जाएंगे घरों के पास, थोड़ा सा दाना पानी लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम जा सकते हैं यहाँ पर, आप बात भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं अभी आगे देखते हैं, पहले नीचे उतरते हैं फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ये मीटर हमें दिखा रहा है कि किस तरह से हम डाउन जा रहे हैं, और अगर हम जल्दी नहीं उतरे तो हमारी हड्डी पसली का कच्चूमर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके जरिए नीचे उतरेंगे उन घरों के पास, वही है मेरा टारगेट। तो खैर दोस्तों अब हम उतरने वाले हैं नीचे, तो जल्दी से उतरते हैं। दोस्तों ग्राफिक क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और खैर मैंने अल्ट्रा पे सेटिंग यहां पे कर रखी है, पर एमुलेटर में ज़्यादा वो पीसी वाली बात नहीं आ पाएगी, बहुत हाईफाई ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, पर हाँ ठीक है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, गेम भी स्मूथ चल रही है। दोस्तों सबसे पहले हम लूट ले लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, सबसे ज़रूरी लूट बाद में कपड़े पहले। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लूट ले ली है, एक बैग मिला हमें, और क्या मिला है दोस्तों, बहुत सारे लूट मिलते हैं घरों के अंदर, आप ले सकते हैं, ग्रेनेड यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इस एमुलेटर की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि इसके अंदर कंट्रोल जो है वो प्रीसेट आते हैं, तो हमें किस तरह की सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, अपने हिसाब से कर सकते हैं बाद में, वो अलग बात है। अरे ये क्या, किसी ने मुझ पर गोली चलाई, किसकी इतनी हिम्मत, मुझे प्लीज वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करने दो, इस तरह से मैं मारा जाऊंगा नहीं, मारा गया हूँ, घर का बेदी लंका डाय, करीब से किसी ने मारा है मुझे, कोई बात नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, बताऊंगा अगली बार, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मारा गया हूँ। तो इस तरह से आप जब टर्मिनेट हो जाते हैं तो फिर से आप गेम में एंटर होते हैं उसी प्लेन से दोबारा से, और यहाँ पर मैं दोबारा एंटर हुआ हूँ मार खाने के बाद। तो यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं आपको कहाँ जाना है, सर्कल में जाना चाहिए वैसे, क्योंकि सर्कल में आप नहीं रहते हैं तो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आपका जो ब्लड है वो बहुत बह जाता है, तो सर्कल के अंदर रहना है, मैप में देखते रहना है हमें कहाँ जाना है, अपने साथियों के करीब रहें ताकि वो आपको बचा पाएं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे गाड़ी दिख रही है, मुझे गाड़ी के पास जाना चाहिए, बिल्कुल ये रही हमारी धन्नो, चल मेरी धन्नो हो जाते यार, ऐसे करेंगे हम ड्राइव। तो अगर इसके अंदर एक और सीट है तो आप अपने जो साथी हैं उनको भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात कि आप इस गाड़ी में हॉर्न बजा सकते हैं, बहुत बढ़िया फीचर है। तो दोस्तों इस तरह से खैर आप इसको चला सकते हैं, और बढ़िया रहता है जल्दी, मैप काफ़ी बड़ा है तो आप काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ पर, और हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए आई थिंक। शुरू में दोस्तों थोड़ी सी गेम मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगी, पर बाद में धीरे धीरे मुझे खैर काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आने लगी। और दोस्तों खैर इमुलेटर पे गेम काफ़ी स्मूथ चलती है, और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पीसी वाला वर्जन भी दिखा पाऊँ कि किस तरह से पबजी उस पर चलती है, क्योंकि ये गेम काफ़ी एडिक्टिव है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से मारा गया था, और फिर से मैंने अवतार ले लिया है, फिर से मैं बॉम्बर से कूद आया हूँ, और यहाँ पर आपकी बार पूरी तरह ठान के आया हूँ कि मैं अब की बार अपने दुश्मनों को सबक सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए, जल्दी भाग कर जाओ मेरे जवान, तुम्हें आज की जंग जीतनी ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जल्दी से अपने हथियारों को लेना होगा। मिस्टर जल्दी करिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी करिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अब हमें जल्दी से जाना है और दुश्मनों की खोज करनी है, क्योंकि मेरे पास एक भी किल नहीं है, कम से कम एक की एक किल तो मेरे पास होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत सारे दुश्मन यहाँ पर घात लगाकर बैठे होते हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आपका, कब आप आए और आपको मारा जाए। हर किसी को किल चाहिए तो आपको बचना होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई दिख रहा है, उसे तो पहले ही गोली लगी है, आसान शिकार, हाँ मैंने उसे मार दिया। ओके, मुझे सामने कोई दिख रहा है, मुझे ख्याल से पूरी स्क्वाड है, मुझे पंगा नहीं लेना चाहिए, पर हम तो पंगा लेने से नहीं डरते। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर दिया खेल। ओ अरे ये क्या, और माय गॉड, देखा दोस्तों सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। तो किसी ने मुझे किल कर दिया, बहुत ही खतरनाक बंदूक से मारा गया मुझे, और मेरा सारा सामान लूट कर ले गए वो निर्दयी लोग। दोस्तों सब सामान लूट लिया जाता है जब आप मर जाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों PUBG मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया, और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो PUBG मोबाइल को अपने एमुलेटर के थ्रू इस तरह से अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फ़ोन पे भी तो खैर आता ही है, बट कीबोर्ड माउस से खेलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है ये चीज़। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा दोस्तों। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी जाप हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।